एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी। अगले चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मेरी आंटी, मेरी चाची जी। इन्हीं का बैग में मैंने शॉर्ट हेयर पे, पतले हल्के बालों पे हेयर स्टाइल बताई थी, 5 बन हेयर स्टाइल, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था। अभी तक उसके व्यू काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ्रंट से कैसे हेयर स्टाइल बनाएँ, तो आज मैं इनके बालों पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हल्के बाल हैं। अभी तो इनके बाल बहुत ठीक हो गए, पहले बहुत ज़्यादा हल्के थे, तो और कर्ली भी हैं। तो आप इनके बालों पे मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को फ्रंट से हेयर स्टाइल। अगर इनके भी बालों पे कफ वगैरह बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है, अगर आपके भी इस तरीके के बाल हैं, आपको दिक्कत होता है, तो आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस वाले इस टाइप के हेयर पे मांगटीका वगैरह ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं मांगटीका ऐड करके दिखा देती हूँ कफ हेयर स्टाइल में। तो आप इस तरीके से मांगटीका ले लोगे और फ्रंट में पहले ऐसे ऐड कर दोगे, जितना ऊंचा रखना है उतना ऊंचा आप रख लोगे और इसको पीछे सेट कर दोगे। उसके बाद से अपना हेयर स्टाइल बनाना है आपको, ओके। और जो ये छोटी वाली क्लिप्स होती हैं, आई होप कि आपको दिख रहा हो, इस वाली क्लिप को मांगटीका के लास्ट पॉइंट पे इस तरीके से लगा देना है, ताकि ये सर के ना अपनी जगह से, ओके। अभी आपको इस पर हेयर स्टाइल बनानी है, तो इस तरीके से मैंने सेंटर पार्टिंग निकाल के मांगटीका पे छोटी सी क्लिप लगा के यहाँ पे सेट कर दी। अगर आपके भी बहुत पतले और हल्के बाल हैं, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है, जितना कि आप पफ बना लो। अक्सर मतलब ज़्यादातर मेरे पास यही रिक्वेस्ट आती है कि मैम मेरे पफ नहीं बन पाते हैं, पतले हल्के बाल हैं तो नहीं हो पा रहा है। तो आपको इस तरीके से क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर ले लेने हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फ्रंट पार्ट आपको छोड़ देना है, बैक वाले पार्ट को अच्छे से कॉम्ब करना है और देन बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद जिसके भी बहुत ज़्यादा पतले हल्के बाल हैं, उसको स्प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्प्रे मार दीजिए, इससे आप जितना भी ऊंचा पफ बनाना चाहो ये इजीली बन जाएगा। देख सकते हो मैं इसे हाथ भी मार रही हूँ तो ये नीचे नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर जो आपने हेयर छोड़े थे उसको ले लीजिए, पतले हल्के और कर्ली बालों के लिए हेयर स्टाइल है आज का। मैं यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं बता रही हूँ, जैसे कि ज़्यादा क्रम्पिंग हीट कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल झड़ते हैं तभी पतले हैं। तो इस तरीके से कॉम करने हैं, हल्का सा ट्विस्ट करना है, ओके। हल्का सा ट्विस्ट करोगे, आगे की तरफ फोल्ड करना है। अगर आपके बीच से मांग निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। देखिए हमारा टीका निकल गया। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी तो आपको क्या करना है, आपको टीका नॉर्मली हटा लेना है यहाँ से और टीके में एक धागा लगा देना है, ओके। धागा लगा के पीछे की तरफ ऐड करोगे आप, धागा चाहे रबड़ कुछ भी लगा लो, जिससे आपका इजीली टीका पीछे जाके सेट हो जाए। तो ये मैंने दोबारा से टीका को ऐड कर लिया है, माम टीका। थोड़े से हेयर लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ पुल करना है। अगर आपके पफ नहीं बन रहे हैं तो मैं भी बता रही हूँ आइडिया, जिससे बहुत अच्छे से आपका इस तरीके के बाल में आप पफ बना लोगे। साइड से ये हेयर छोड़ने हैं क्योंकि इसकी ट्विस्टिंग करनी है आपको। जिस साइड से आपका पफ पिचक जाता है उस साइड पे आपको उसके अकॉर्डिंग जिस दिशा में आपको ट्विस्ट करना है, और इसको सिस्टर क्लिप या फिर यू क्लिप बॉबी सॉरी यू क्लिप से नहीं होगा, बॉबी क्लिप से आप इसको सेट कर दो। अब बारी आती है आपके, अगर बीच से इस तरीके से मांग निकल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक यू पिन, जहाँ से आपकी मांग निकल रही है, हेयर को इस तरीके से पकड़िए और यू पिन लगा दीजिए, ओके। यू पिन तो लगा दिया आपने, इसके बाद इसको स्प्रे मार दीजिए ताकि जितनी भी बेबी हेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। अक्सर कर्ली बालों में हमारी ये प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने एक ब्राइडल को रेडी किया था जिसके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर थे, लेकिन बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन गया था, तो उनका जल्दी जल्दी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। ये देखिए बीच से बिल्कुल भी मांग नहीं निकलेंगे और अच्छे से आपका एकदम बन चुका है। थोड़ी देर इसको छोड़ोगे,
30 सेकंड के लिए, उसके बाद आप यू पिन को निकाल देंगे। और सिंपली जो आपका साइड से एयर है, आप चाहो तो साइड मांग भी ले सकते हो। मैं इसके साथ साइड मांग और बीच की मांग सब दिखाने वाली हूँ, तो देखते हैं। जिसका थोड़ा माथा छोटा होता है उसको आपको यहाँ से लेयर्स नहीं निकालने होते हैं, ईयर के पास से लेयर्स निकालने होते हैं। ओके, तो ये हमने लेयर्स इस तरीके से छोड़ दिए हैं और इसको हल्का हल्का खींच देंगे, तब खींच का लुक थोड़ा सा बाउंसी दिखे और वॉल्यूम दिखे वालों में इस तरीके से। तो आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती होगी कि बीच से स्कैल्प दिखता है, अगर आप उस तरीके से हेयर स्टाइल बनाते हो तो इस तरीके से हमने ब्रिश तो कर दिया है। अभी जो स्कैल्प दिख रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हेयर को ऊपर ही कट करेंगे, एक जगह से आप यू पिन से इसको इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अभी देखिए स्कैल्प नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा तो फ्रंट से दिखेगा ही दिखेगा या साइड से नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको फ्रंट से भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक और क्लिप लगा दीजिए, यू क्लिप, यहाँ से इस तरीके से लीजिए और यू क्लिप लगा दीजिए। ओके, अब इसमें आपको स्प्रे मार देना है और अच्छे से सेट कर देना है। और ये वाला आपका देखिए, इसको आपने ओपन किया, आपका पफ बहुत अच्छे से बन गया है और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तब तक आप इधर का हेयर स्टाइल कम्प्लीट कर लें। ऐसे ऊपर की तरफ लेकर ट्विस्ट कीजिए, सेम जैसे आपने इस साइड से बनाए हैं वैसे ही आपको इस साइड से ही बनाने हैं। जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया है वहीं पे इसको भी लगा दीजिए और सेम उसी की तरह उस साइड वाली पार्ट की तरह इसको भी सेट कर दीजिए ताकि स्कैल्प आपका दिखे ना। ठीक है, इधर का तो वैसे भी नहीं दिख रहा है। अब जो आपका ये लेयर बचा है इसका हम लोग को क्या करना है, इस टाइप की कॉम ले लीजिए, इस तरीके से राउंड राउंड लपेट दीजिए इसको। दे मार दीजिए थोड़ी देर के लिए इसको, ऐसे ही छोड़िए ताकि अच्छे से कर्ल हो जाए। ओके, ये देखिए इस तरीके से कर्ल हो गया विदाउट ग्रीस यूज किए। अब आपको बैक में जैसे आपको चाहिए, मैंने बहुत सारे वन हेयर स्टाइल बताए हैं इसके लिए पहले से ही, तो आप वो जाके ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो वीडियो। तो मैं यहाँ पे फिर फ्रंट का हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ पतले और हल्के बालों के लिए। तो ये हमारा टी का और ये साइड का लुक, इसको आप क्लिप को निकाल दीजिए, मैंने निकाला नहीं था। अब ये आपका मांग भी नहीं दिखेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया पतले हल्के बालों पे, छोटे बालों पे। आप इस तरीके से पफ भी बना सकते हो, आपका बीच से बिल्कुल भी मांग नहीं निकलेगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल बताती हूँ मैं, सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली यहाँ से हेयर लेने हैं, थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं और अच्छे से ट्विस्ट कर लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इस तरीके के हेयर हैं तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना के बहुत जल्दी से हेयर स्टाइल बन जाएगा ये वाला, और आप निकल सकते हो जहाँ भी आपको जाना है। ऐसी शादी पार्टी में भी सिंपली फ्रंट का ये वाला हेयर स्टाइल बनाओ और आप अपने पीछे बन बना लो, बहुत प्यारा लगेगा। ओके, मैं थोड़ा सा पास ले आती हूँ कैमरा ताकि अच्छे से दिखे आप लोग। कल मैंने बहुत ही छोटे बालों पे बॉय कट पे बताया था हेयर स्टाइल, तो आपने नहीं देखा है तो जाके चेकअप जरूर कीजिएगा।
साइड का कुछ इस तरीके का दिखना है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड बना लेना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल का, सेकेंड हेयर स्टाइल में फ्रंट का हेयर स्टाइल। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इस। तो इस तरीके से करके आप बैक में कोई भी बन बना के और जा सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपके बहुत पतले हल्के और कर्ली बाल हैं, तो आप साइड से भी रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है, बोल्ड लुक आता है। उसके लिए आपको इस तरीके से बालों को थोड़ा सा नीचे से, जैसे यहाँ से तो आपके बाल झड़े होंगे और पता है कि हल्के बाल हैं तो झड़े ही होंगे, तो आपको साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हेयर ले लेना है इस तरीके से। ओके, अगर आप गर्ल्स हो तो ये वाला हेयर स्टाइल आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से साइड से लेके आएंगे और हल्का सा इसको ट्विस्टिंग का लुक देंगे। काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। ओके, अब यहाँ पे आप इसको क्लिप से सेट कर दो। इस तरीके का लुक आएगा ये साइड से। ओके, अब आपको इस साइड के हेयर को क्या करना है, यहाँ पे जो हेयर दिख रहे हैं इसका एक लेयर बस निकाल देंगे, बाकी बचे हेयर को इस वाले हेयर के साथ मैच करते हुए यहाँ पे ले जाके और इसको सेट कर देंगे टिक टिक क्लिक से। और मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अगर आप गर्ल्स हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं और पतले छोटे हैं, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका फाइनल लुक देख लीजिए। ओके, तो काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश है ये वाला हेयर स्टाइल पतले हल्के बालों पे। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। अभी आपको फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपको थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं बीच से, जहाँ से मांग निकालते हैं सेंटर, वहाँ पे आप इस तरीके से ट्विस्ट कीजिए। इसके साथ साथ एक लाइन में भी बनानी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, क्राउन एरिया तक इसको बना के लेके आना है, थोड़ा सा हेयर इधर से उठाया, थोड़ा सा हेयर इधर से लेना है और इस तरीके से आपको मुझे कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहो तो हल्का हल्का इसको खींच सकते हो और यहाँ पे क्लिप लगा लो। ओके, फिर ये वाली जो लाइन निकली हुई है यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से सिंपली ट्विस्टिंग कर सकते हो, बीच वाला बनाने में ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये हमने ट्विस्टिंग बना ली, इसको भी हल्का हल्का खींच दो, थोड़ा सा बाउंस भी लुक आ जाएगा और इसको भी इसी क्लिप के पास ले जाएंगे और इस तरीके से सेट कर दे रहे हैं, टक कर दे रहे हैं सॉरी। फिर थर्ड वाला ले लीजिए पार्ट, इसको भी सेम इसी तरीके से ट्विस्ट करना है। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगेगा शादी पार्टी के लिए, अगर आप बना रहे हो, ब्राइडल हो या फिर दुल्हन हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले और हल्के हैं तो।
मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, जितने भी बहुत ज़्यादा पतले हल्के बाल हैं उनके बालों को बहुत प्यारा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। तो ये हमारा एक साइड से हो गया कंप्लीट, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। मैं इसका फाइनल लुक आपको पूरा बैक से फ्रंट तक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। पांच हेयर स्टाइल बताऊंगी, पांचों में से आपको कौन सा अच्छा लगा जरूर बताइएगा। चार हो चुके हैं, एक हेयर स्टाइल और है, तो पूरा वीडियो आने तक जरूर देखिए। तो आप देख सकते हैं उनका फाइनल लुक, वाओ। तो और बैक से कुछ इस तरीके का लुक आया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं पांचवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो पांचवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली बीच से मांग निकाल लेनी है। ये हेयर स्टाइल ज़्यादातर शादीशुदा औरतों के लिए, न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। क्राउन लेने से थोड़े से हेयर लेने हैं, ये देखिए यहाँ से, ओके। बैक से बैक कॉम्बिंग करनी है, फ्रंट से बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपकी बैक कॉम्बिंग, और यही हाथ देना है थोड़ा सा, ओके। थोड़ा सा इसको पफ का लुक देना है हल्का सा, इतना सा पंप बनाना है और उसको सेट कर देना है। बहुत इजीली बन जाएगा गाइस, अगर आपका नहीं बनता है तो आप दो तीन बार ट्राई करो, देखो रिपीट करके, बिल्कुल बन जाएगा। और मैंने टिप्स बताया ना फर्स्ट वाले हेयर स्टाइल में कि अगर बीच से मांग निकलती है तो क्या करना, बीच से मांग निकलेगा यहाँ से दोनों साइड से हेयर पकड़ने हैं, यहाँ पे करके यू पिन लगा के स्प्रे मार देना है, थोड़ी देर के बाद आपका हेयर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर अच्छे से पफ ना बना हो थोड़ा सा खींच लीजिए, कर्ली वह हेयर है तो आप सोचोगे खींचने पे बिगड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से आपका पफ बनेगा और कुछ नहीं बिगड़ते हैं, जितना ही मैसी लुक दिखता है उतना अच्छा दिखता है, आजकल तो मैसी लुक ट्रेंड में है, ओके। अभी आपको साइड से हेयर जो आपके हैं इनको यहाँ से फ्लैट रखना है, यहाँ से फ्लैट रखना है और इस साइड से आपको ऊपर की तरफ लेके आना है, ऐसा लगना चाहिए कि आपने पफ के साथ ही इसको लिया हुआ है, ओके। इस तरीके से लेना, आप इधर साइड से निकाल सकते हो लेयर, हल्का सा बैक से ट्विस्ट का लुक देना है और फिर से क्लिक से इसको सेट कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, बेबी हेयर है, तो आप स्प्रे मार के इसको सेट कर सकते हो। स्प्रे मारने के बाद से आपका ये जैसे आप जब तक इसको कॉम करके निकालोगे नहीं वैसे का वैसे रहेगा, ओके। सेम दूसरी साइड से आपको करना है इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको फ्लैट लेके जाना है और यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है ये हेयर स्टाइल में। और जो आपने पफ बनाया है उसके साथ मिक्स कर देना है, दूसरा हेयर स्टाइल ज़्यादा ऊंचा पफ की जरूरत नहीं है, सिंपल सा नॉर्मल सा पफ बनना चाहिए, बस पीछे से वॉल्यूम दिखना चाहिए वालों में, ऐसा दिखाना है आपको। अब इसके साथ आप लो बन बना दो, हाई बन बना दो, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो बना लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये शाम तक ऐसे कैसे रहने वाला है, अगर आप चाहो तो इसमें भी टीका सेट कर सकते हो शादी पार्टी में जा रहे हो तो, और इसके साथ आप लो बन बना लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये हमारे पाँचों हेयर स्टाइल आज का कम्प्लीट हो चुका है,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो कैसा लगा गाइस आप लोग को सारी हेयर स्टाइल, कौन सा सबसे अच्छा लगा जरूर बताएगा, और मैं और भी हेयर स्टाइल आपको देखनी है छोटे बालों पर, पतले बालों पर, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे बालों पर, घने बालों पर, मीडियम लेंथ पर, जैसा भी आपको देखना हो, फ्रेश फेस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी हेयर स्टाइल है मेरे चैनल पर, सॉरी, और राउंड फेस, लॉन्ग फेस, शॉर्ट फॉरहेड, बिग फॉरहेड सबके लिए, और आपको आगे कुछ देखना है तो वो भी बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।